हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथमसेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनू का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है, सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी। सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया, जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उन पर श्रीनू के आदमियों और बहनोई मैगिलुस द्वारा हमला किया जाता है, जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मैगिलुसु की हत्या कर देती है। और नायडू पुष्पा और श्रीनू बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनू के
घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा लेखावत शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा, पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है, जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है, जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पा राज हुआ। पुष्पा राज के रूप में मास्टर ध्रुवन, रश्मिका मंदना, श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स, जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था, आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था श्री लेरू निकेवेरू, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स, जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे, वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं, इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है, जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे, क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है, इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिश छायाकार मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था।
कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया, जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकुटी ने फिल्म की साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जीशु सेन गुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने चल रही कोविड-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम, बॉबी, सीमा, माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे शेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे। सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे, जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामंथा नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन
प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड 19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड 19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्विट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में दो शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी एक शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड 19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेडू मिली गए। एक महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत पिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कार्य थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक
ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को दो भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भाग वन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली वंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखाया। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथम सेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन प्रसाद। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है।
पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है लेकिन उन पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मैगिलुस द्वारा हमला किया जाता है जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मैगिलुसु की हत्या कर देती है और नायडू पुष्पा और श्रीनु बीच समझौता करवाता है। लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज हुआ पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक था श्री लेरु निकेवेरु, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट
ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं। इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित शेषचलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिश छायाकार मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकटी ने फिल्म के साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जिशु सेन गुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने चल रही कोविड-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम बॉबी सीमा माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे शेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे, सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामान्था नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की।
गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारे दुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में 2 शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी 1 शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेडू मिली गए। 1 महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत पिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कार्य थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों
के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के केपी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर, जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल है, जिनमें डक्को डक्को मैका, श्रीवल्ली, ऊ अंतवा अंतवा, सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी, जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा, जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया, और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली मंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथमसेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंडट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन प्रसाद 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनू का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है, सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी। सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है लेकिन उन पर श्रीनू के आदमियों और बहनोई में गिलूस द्वारा हमला किया जाता है जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मेघुलुसु की हत्या कर देती है। और नायडू पुष्पा और श्रीनू बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनू के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनू की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है, जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है, जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज उवा पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन, रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी।
और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स, जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था, आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था श्री लेरू निकेवेरू, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स, जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे, वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं, इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है, जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे, क्योंकि फिल्म रायसलीमा, सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है, इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिश छायाकार मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया, जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकटी ने फिल्म के साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी, जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जीशु सेन गुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने चल रही COVID-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम, बॉबी, सीमा, माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी।
कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रेस एडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भारद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भारद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे। सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे, जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामंथा नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारे दुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में 2 शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी 1 शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ।
और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेडू मिली गए। एक महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिडा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत पिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कारें थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। सीरियस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया। साउंड ट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली मंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथिली मूवी मेकर्स और मुथम सेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है।
फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिन में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनू का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है, सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी। सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया, जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उन पर श्रीनू के आदमियों और बहनोई मैगिलुस द्वारा हमला किया जाता है, जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मैगिलुसु की हत्या कर देती है। और नायडू पुष्पा और श्रीनू बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनू के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनू की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है।
गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा लेखावत शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा, पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है, जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है, जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पा राज हुआ। पुष्पा राज के रूप में मास्टर ध्रुवन, रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स, जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था, आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था श्री लेरु निकेवेरु, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स, जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे, वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं, इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है, जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे, क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है, इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिश छायाकार मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया, जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और
रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रसूल पुकटी ने फिल्म की साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने चल रही कोविड 19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम, बॉबी, सीमा, माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे शेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे। सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामान्था नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड 19 महामारी पर अंकुश लगाने
के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करने के बाद रम्पोचा डवारम और मैरू डुमली में दो शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी एक शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेदुमिल्ली गए। एक महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत पिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कारें थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। सीरियस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और
फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली वंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखाया। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथमसेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसकी कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन
यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की मां की चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है लेकिन उन पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई में गिलुस द्वारा हमला किया जाता है जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मेघुलुसु की हत्या कर देती है और नायडू पुष्पा और श्रीनु बीच समझौता करवाता है। लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज उवा पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक था श्री लेरू निकेवेरू, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं।
इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिस छायाकर मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकटी ने फिल्म के साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने चल रही कोविड-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम बॉबी सीमा माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे सेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे, सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामान्था नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है।
जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में 2 शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी 1 शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेदुमिल्ली गए। 1 महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत बिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कार्य थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है।
फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के केपी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल है जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली मंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथमसेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन कोरियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी निर्देशन संवाद और साउंडट्रैक की प्रशंसा की लेकिन रन टाइम स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन प्रसाद 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनु के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है लेकिन उन पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई में गिलूस द्वारा हमला किया जाता है जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मेघुलूसु की हत्या कर देती है और नायडू पुष्पा और श्रीनु बीच समझौता करवाता है। लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज उवा पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी।
और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स, जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था, आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था श्री लेरु निकेवेरु, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स, जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे, वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया, तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं, इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है, जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे, क्योंकि फिल्म रायसलीमा, सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है, इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिश छायाकार मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया, जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकटी ने फिल्म के साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी, जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जीशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने चल रही COVID-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम, बॉबी, सीमा, माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी।
कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रेस एडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भारद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भारद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे। सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे, जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामंथा नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में 2 शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी 1 शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ
और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेडू मिली गए। एक महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिडा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत बिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कारें थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली मंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथिली मूवी मेकर्स और मुथम सेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है।
फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की माँ की चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनू का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है, सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी। सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया, जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उन पर श्रीनू के आदमियों और बहनोई मैगिलुस द्वारा हमला किया जाता है, जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मैगिलुसु की हत्या कर देती है। और नायडू पुष्पा और श्रीनू बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनू के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनू की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है।
गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा लेखावत शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा, पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है, जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है, जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज हुआ। पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन, रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स, जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था, आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था श्री लेरू निकेवेरू, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स, जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे, वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं, इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है, जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे, क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है, इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सेसलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिस छायाकर मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया, जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और
रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रसूल पुकटी ने फिल्म के साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने चल रही कोविड-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम, बॉबी, सीमा, माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे शेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे। सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामान्था नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है। जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने
के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में दो शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी एक शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेदुमिल्ली गए। एक महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत पिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कारें थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है। फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और
फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली वंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा द राइज 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और मैथ्री मूवी मेकर्स और मुथमसेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट में शामिल होता है। इनकी फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से हैदराबाद में रमोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में हो रहा। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुब्बा बॉबरेज और कार्तिका श्रीनिवासन रूबेन द्वारा किया गया। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 की रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, स्क्रीन प्ले और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 से 373 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिने में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पुष्पा द राइज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त और पुष्पा द रूल नामक सिक्सवल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कौड़ा रेड्डी के समूह के ऊपर चढ़ता है। कौड़ा का भाई जाली अपने बड़े भाई अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कौड़ा के मालिक श्रीनू कौड़ा को पुलिस विभाग से चंदन की कई टन की तस्करी से को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपते हुए और रेड्डी भाइयों को द्वारा पुष्पा को यह काम सौंपा गया है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनू के सामने उसे दोषी ठहरा सके। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हुए पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उसके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन
यह खुलासा करते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी झड़प में पुष्पा की मां की चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु का दरकिनार कर देता है और वह लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करता है सक्षम होता है, जिसे वह कौड़ा के साथ विभाजित करने लगी सहमत होता है कि जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के प्रतिवासना में जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया जिसने जाली को पीटा और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। जाली कौड़ा को यह नहीं पता बताता है कि किसने पीटा, वह खुद पुष्पा को मारना चाहता है। कौड़ा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है लेकिन उन पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई में गिलुस द्वारा हमला किया जाता है जो कौड़ा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कौड़ा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से जगाती है और मेघुलुसु की हत्या कर देती है और नायडू पुष्पा और श्रीनु बीच समझौता करवाता है। लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा देते हुए और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभालते हुए पुष्पा लेखावत शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है। यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन से पहले सुरक्षित रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर करती है जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है। शेखावत का दावा है कि अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति खुद से मिलती है जबकि शेखावत वह अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए निकल जाती है जबकि अपमानित शेखावत घर लौटता है जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी क्रोधित होकर शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज हुआ। पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुव रश्मिका मंदना श्रीवल्ली पुष्पा और प्रेमिका मंगेतर के बाद पत्नी बन गई। रंग स्थलम की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके बाद उन्होंने पहले नैनो का दिन 2024 में काम किया था। बाबू जिन्हें कहानी पसंद आई ने इस परियोजना के लिए हामी भर दी और बताया गया कि वामसी पेडीपल्ली की परियोजना महर्षि 2022 को पूरा करने के बाद शूटिंग शुरू होगी। अप्रैल 2000 के मध्य में मैथ्री मूवी मेकर्स जिसने सुकुमार के साथ उनकी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सहयोग किया था आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SSMB 26 शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार बाबू और सुकुमार के साथ उनका दूसरा सहयोग हुआ। फिल्म जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन उस मार्च बाबू रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए सुकुमार की परियोजना से बाहर हो गए। इसके बजाय अभिनेता ने अनिल रेवीपुडी के साथ अपनी अगली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक था श्री लेरू निकेवेरू, जबकि सुकुमार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया। RA2 के बाद एक दशक के बाद निर्देशक के साथ अपने पुनः मिलन को चिन्हित किया। मैथ्री मूवी मेकर्स जो पहले बाबू और सुकुमार की परियोजनाओं से जुड़े थे वे भी दम का निर्माण करने के लिए असहमत हुए। सुकुमार ने बाबू को लाल चंदन पर आधारित एक कहानी सुनाई। हालांकि एक बार जब परियोजना को रोक दिया गया तो वह अल्लू अर्जुन के लिए लाल चंदन पर एक अलग कहानी लेकर आए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुकुमार ने कहा, महेश बाबू के साथ मैं उन्हें कुल नहीं बना सकता, वह बहुत गोरे हैं।
इसलिए पृष्ठभूमि वही थी लेकिन कहानी अलग थी। सुकुमार ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया, आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की चोरी एक जटिल गड़जोड़ है जो एक कुली से तस्कर बने व्यक्ति के माध्यम से कथा के दौरान सामने आता है। सुकुमार ने लाल चंदन की तस्करी की विषय की खोज तब तक की जब उन्होंने सालों पहले आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। सुकुमार ने अपना शोध किया और इस परियोजना के एक वेब श्रृंखला के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। वह व्यक्तिगत रूप से नल्ला मल्ला हिल्स में लोकेशन स्काउटिंग के लिए थे क्योंकि फिल्म रायसलीमा सीमा और नेल्लोर में सेट थे और कथानक लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमता है। चूँकि फिल्म का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है इसलिए अल्लू अर्जुन कहानी तिरुमला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित शेषचलम जंगली की पृष्ठभूमि में बनी। नानी की गैंग लीडर 2022 के लिए काम करने वाले पॉलिस छायाकर मेरोस्लाव कुबा ब्रेजेक को फिल्म के लिए साइन किया गया था। कार्तिका श्रीनिवास ने फिल्म का संपादन किया जबकि सुकुमार की पिछली फिल्म रंगस्थलम 2006 के कला निर्देशक मोनिका और रामकृष्ण को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए चुना गया था। विजय कुमार के साथ रेसुल पुकटी ने फिल्म की साउंड डिजाइन के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म की शीर्षक पुष्पा आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2020 को उल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया गया था। एक और पोस्टर भी जारी किया गया था। उल्लू अर्जुन ने लाल चंदन तस्कर पुरस्कार राज का किरदार निभाया था और फिल्म में अपने किरदार के लिए दाढ़ी वाले लुक में नजर आए थे। रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आधारित घोषणा की गई थी कि मंदाना ने एक ऑनलाइन बातचीत में पुष्टि की वह अर्जुन की तरह फिल्म के लिए एक नई बोली सीखेंगी जो कि चित्तूर की बोली पर आधारित है। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने चल रही कोविड-19 महामारी और समय की कमी के कारण मना कर दिया गया। विजय सेतुपति ने निर्देशक को प्रोडक्शन वेंचर उपेन्ना में सुकुमार के साथ काम करने के बाद अक्टूबर 2022 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की और जनवरी 2020 में फिल्म का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए कहा फिल्म छोड़ दी। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद विक्रम बॉबी सीमा माधवन और आर्य को फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अंततः मलयालम अभिनेता फहद फासिल और मार्च 2022 में फिल्म को प्रतिपक्षी के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार यह तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत थी। कन्नड़ अभिनेता धनंजय को अप्रैल 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बताया गया था। नवंबर 2020 में सुनील को सहायक भूमिका में लिया गया और वह फिल्म के दूसरे शेड्यूल में मौजूद थे। फिल्म में सुनील के किरदार को ग्रे शेडस दिए जाने की खबर थी। हालांकि यह बताया गया था कि अनुसुईया भरद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि भरद्वाज अप्रैल 2022 में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुए। जुलाई 2022 में श्रीतेज ने पुष्टि की उन्हें पुष्पा राज की भाई की भूमिका में लिया गया था। फिल्म में तीन प्रतिपक्षी थे, सुनील और अनुसुईया पहले भाग में प्रतिपक्षी थे जबकि फहद का किरदार भंवर सिंह शेखावत मुख्य प्रतिपक्षी केवल पहले भाग के अंत में दिखाई देगा और इसके सिक्सवल में जारी रहेगा। जगदीश को सुकुमार ने मलेशम 2022 और जॉर्ज रेड्डी 2022 फिल्मों में उनके अभिनय को देखने के बाद कास्ट किया था। एक इंटरव्यू में जगदीश प्रताप भंडारी ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 15 छोटे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। सामान्था नवंबर 2022 के अंत में प्रोडक्शन में शामिल हुई। उन्होंने अल्लू अर्जुन और अन्य के साथ आइटम गीत ऊ अंतवा की शूटिंग की। गाने में काम करने पर उन्होंने कहा कि सेक्सी होना अगले स्तर की कड़ी मेहनत है।
जुलाई 2019 में निर्माताओं ने दशहरा 7 अक्टूबर 2019 के अवसर पर फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि फिल्म का लॉन्च इवेंट 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। हैदराबाद में मैत्री मूवी मेकर्स के कार्यकाल में एक औपचारिक पूजा समारोह मुहूर्त आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार और चालक दल के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिसंबर 2022 में सुकुमार ने केरल के अथिरापल्ली फॉल्स में एक टेस्ट शूट किया। अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू 2020 के प्रचार में उल्लू अर्जुन के शामिल होने के बाद निर्माताओं ने मार्च 2020 में केरल फिल्म के पहले शेड्यूलिंग की शूटिंग करने की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन भी शेड्यूलिंग पर शामिल हुए थे। फिल्म में 6 मिनट की एक्शन सीक्वेंस के टीम ने विदेशी तकनीशियनों को चुनने के बजाय दक्षिण भारत से एक्शन कोरियोग्राफरों को नियुक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार फिल्म एक मेक इन इंडिया परियोजना बन गई और भारतीय फिल्म उद्योग के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की पहल की। जब कुछ तकनीशियनों को महामारी के कारण रोजगार संकट का सामना करना पड़ा, लागत से बनाया गया था और यह अल्लू अर्जुन इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया। निर्माताओं ने बाद में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के कारण स्थान को केरल से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जून 2020 में निर्माताओं ने हैदराबाद को रोमजी फिल्म सिटी में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई और बाद में नलगोंडा में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा न्यूनतम चालक दल के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के बाद निर्माताओं ने 10 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और इसे 24 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर टीम प्रमुख दृश्यों की शूटिंग के लिए दिसंबर 2020 में राजमुंद्री चली गई, लेकिन इसे जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि फिल्म पर काम करने वाले 12 चालक दल के सदस्यों को कोविड-19 का पता चला था। बाद में जनवरी 2021 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और प्रोडक्शन हाउस ने ट्विस्ट किया और ट्वीट करने के बाद रंपोचा डवारम और मैरू डुमली में 2 शेड्यूल फरवरी 2021 के भीतर पूरे हो गए। टीम ने मार्च 2021 में केरल में भी 1 शेड्यूल पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और अप्रैल के अंत में अल्लू अर्जुन को भी कोविड-19 का पता चला था। टीम ने 6 जुलाई 2022 को शूटिंग के अंतिम चरण को फिर से शुरू किया और सिकंदराबाद में एक प्रमुख कार्यक्रम फिल्माया गया, लेकिन 24 जुलाई 2022 को सुकुमार को डेंगू बुखार होने का पता चलने पर इसे रोक दिया गया। सुकुमार के बीमारी से ठीक होने के बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और 22 अगस्त 2022 को फहद फासिल फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में शामिल हुए। हिंदी फिल्म अलविदा में अपने हिस्सों को लपेटने के बाद रश्मिका अपने हिस्सों को फिल्माने के लिए शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर 2022 में वह एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद फिर से शूटिंग में शामिल हुई। सितंबर को अल्लू अर्जुन अंतिम शेड्यूल को फिल्माने के लिए मारेडुमिल्ली गए। 1 महीने के प्रोडक्शन के बाद 4 अक्टूबर को टीम ने अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच फेस ऑफ सीन की शूटिंग शुरू की। अंत में समानता और आधारित एक विशेष गीत नवंबर 2022 में रोमजी फिल्म सिटी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया गया और आई बिड्डा इडी ने डा या मेरा क्षेत्र गीत बिरमुंडा के मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर गई। चेन्नई में तमिल संस्करण पर एक प्रचार कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि हमारे पास जंगल में लगभग 400 से 500 कार्य थी जो हमें बिंदु ए से बी तक ले जाती थी। कुछ स्थानों पर सड़कें नहीं थी और हमें जो कुछ भी उपलब्ध था उसके साथ एक रास्ता बनाना था। फिल्मांकन में ऐसे ही हमें लगभग 2 साल लगे, इसलिए मैं भी यह कहता हूँ पुष्पा के लिए हमने जो प्रयास किया था वह 4 फिल्मों के बराबर है।
फिल्म की डबिंग अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी और रिलीज होने के 10 दिन पहले और तैयार किया गया। श्रेयस तलपड़े और दिसंबर 2022 की शुरुआत के पी शेखर ने फिल्म के तमिल संस्करण के लिए उल्लू अर्जुन की आवाज़ दी और फहद फासिल ने सभी भाषाओं में अपनी भूमिका के लिए डब किया, हिंदी को छोड़कर जिसे राजेश खट्टर ने डब किया था। सुकुमार ने नियमित सहयोगी देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का स्कोर और साउंडट्रैक तैयार किया। साउंडट्रैक में चंद्रबोस द्वारा लिखे गए 5 गानों शामिल हैं जिनमें डक्को डक्को मैका श्रीवल्ली ऊ अंतवा अंतवा सामी सामी और आई बिच्छा इदी ना अड्डा शामिल है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई। इसमें पहले फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत के साथ 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। मई 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी, जिसमें पहला भाग मूल रूप से इच्छित रिलीज की तारीख पर आएगा जबकि दूसरी किस्त 2023 में आएगी। निर्माताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि कहानी और पात्रों ने अपना जीवन जिया और एक ऐसे दौर तक बढ़े जिसके लिए फिल्म को 2 भागों में रिलीज करना आवश्यक हो गया और फिल्म के पहले भाग का शीर्षक अगस्त 2022 में पुष्पा द राइज भागवन के रूप में अनावरण किया गया। कोविड-19 महामारी में उछाल के कारण फिल्म की रिलीज को क्रिसमस 2022 तक पुनः निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2022 में निर्माताओं ने दिसंबर 2022 को रिलीज की तारीख घोषणा की। यह एक साथ तेलुगु और तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों में रिलीज हुई। रिलीज के बाद निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग पर एक विवादास्पद दृश्य हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पारिवारिक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। दृश्य में पुष्पा अर्जुन द्वारा अभिनीत श्रीवल्ली मंदना और अभिनीत की छाती को छूती है और बारे में बातचीत करती है। यह भी बताया गया कि इसके रन टाइम को कम करने के लिए कुछ और दृश्यों को काट दिया गया था। 2022 के उत्तरार्ध में इसे आधिकारिक तौर पर रूसी में डब किया गया। प्रोडक्शन कंपनी ने 29 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रूसी भाषा का ट्रेलर जारी किया और फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को 2022 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इसे दुनिया भर की ब्लॉकबस्टर हिट श्रेणी में दिखाया